हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 में मेरे पास अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ बेटा 6 मीटर, इट इज रिटन देयर, वन वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 6 मीटर, कास्ट शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन ए ग्राउंड। अब ऑब्वियस है कि इसकी शेडो ग्राउंड पे ऐसी होगी, और 4 मीटर उसने शेडो बनाई ग्राउंड पे बेटा। नाउ पेज नंबर 141, क्वेश्चन नंबर 15 आई हैव रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। हाँ जी बेटा, नाउ एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट ए शेडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग। अब वो जिधर मर्जी बना लो, डजेंट मैटर। मैंने ये सोचा कि मैं बिल्कुल यहाँ पर ही जो गए, चाहे एक्सटेंड करके बना लो, जैसे मर्जी बना लो, डजन मैटर। मैं आपको क्लियर, या ट्रायंगल ही अलग कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब उसने कहा है कि मेरे पास सेम टाइम पे टावर जो है वो 28 मीटर लॉन्ग शेडो बना रहा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। बेटा क्लियर कट, ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। पता क्यों? वो सेम टावर पे कह रहे हैं, अगर सेम सॉरी टाइम में कह रहे हैं, तो दैट मींस कि मेरे पास वहां पर, अगर मैं कॉन्सेप्ट लूं, ये 90 90 90 तो है ही है, दूसरा मेरे पास हो गए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी सनलाइट, क्योंकि शेडो की बात हो रही है, तो एंगल ऑफ शेडो तभी बनेगी। जस्ट वेट बेटा। हाँ जी बेटा, इफ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, इट इज रिटन हियर ए डी एंड पी एम आर द मीडियंस। ए डी एंड पी एम, दीज आर द मीडियंस ऑफ रिस्पेक्टिव ट्रायंगल्स, वेयर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। मुझे प्रूफ करना है ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू ए डी ओवर पी एम। आई नीड टू प्रूव दिस। मैंने कल भी बताया था, प्लीज ये अपने दिमाग में बिठा लो। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, उनकी साइड की रेशियो तो प्रोपोर्शनल होती होती है, लेकिन मीडियन की रेशियो भी साथ में प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है जी, अब बहुत इजी है। अगर ये पूरी बड़ी बड़ी ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, तो दैट मींस उनकी साइड की रेशियो क्या होगी? प्रोपोर्शनल। अब मैं इधर वाली साइड नहीं लूंगी, क्यों? क्योंकि मुझे जो साइड इक्वल करने, साइड की रेशियो जो इक्वल करनी है, उसमें ये और ये आ रहा है, ये और ये आ रहा है, तो मुझे उधर वाली साइड की जरूरत नहीं है ना। तो मेरे पास ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू बी सी ओवर क्यू आर, ये इक्वल होगा कि नहीं? हमने ये आगे भी क्वेश्चन में कर चुके हैं, हाफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, हाफ ऑफ बी सी मेरे पास और वो क्यू एम। अब इन दोनों को ले लो, ये रेशियो किस ट्रायंगल में आ रही है? ये वाली ट्रायंगल में और ये वाली ट्रायंगल में, और ये दो साइड्स आ रही हैं, तो मेरे पास एक एंगल भी आना चाहिए। बड़ी बड़ी ट्रायंगल अगर सिमिलर है, तो एंगल बी और एंगल क्यू आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो 100% साइड एंगल साइड से ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर। अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो रेशियो क्या हो गई? प्रोपोर्शनल। ओके बेटा, सबको बात समझ आ गई? चलिए नाउ मूव टुवर्ड नेक्स्ट थ्योरम बेटा। मेरे पास नेक्स्ट थ्योरम का प्रूफ जरूर जो है यूज, मतलब होगा, रिजल्ट बहुत बार यूज होता है, 100% एक क्वेश्चन पेपर में ऐसा होगा ही होगा जिसमें ये थ्योरम
यूज होगी होगी पेपर में, पक्का मैं कह रही हूं, मैं बोर्ड के पेपर्स की बात कर रही हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द बोर्ड पेपर। ओके, नेक्स्ट थ्योरम, हम जैसे बीपीटी थ्योरम की कन्वर्स किया, इसका नाम एज इट इज कुछ नहीं है, बट हम इसको नॉर्मली थ्योरम को बुलाते हुए पता क्या कह देते हैं, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम। क्या नाम बोल देते हैं? एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब ये क्या थ्योरम कहती है, प्रूफ मैं बाद में करवाऊंगी क्योंकि मुझे इसके साथ के क्वेश्चंस पहले करवाने हैं। ओके, चलिए, व्हाट दिस थ्योरम सेज, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगेन आई एम सेइंग, आई एम टॉकिंग अबाउट एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम। ओके, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर मेरे पास दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, ए बी सी डी ई एफ, तो बेटा 100% मेरे पास इनके एरियाज की रेशियो, इनके एरियाज की रेशियो पता किसके इक्वल होती है, स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो। ठीक है जी, स्क्वायर ऑफ, आगे अभी तक आप लेते थे, आप कहते थे कि ट्रायंगल्स की साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, बट यहां जब एरिया आ गया तो हम क्या कहेंगे कि साइड्स के स्क्वायर की रेशियो के इक्वल होता है, मतलब ए बी ओवर डी ई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू बी सी ओवर ई एफ स्क्वायर, या किसके इक्वल होती है, ए सी ओवर डी एफ का। बट ये रूल तभी अप्लाई होता है बेटा जब ट्रायंगल्स क्या हो, सिमिलर। ट्रायंगल सिमिलर नहीं है ना तो हम ये चीज नहीं कर सकते। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पता कैसे आता है, जो वन नंबर का क्वेश्चन आगे आता था वही बनता है एमसीक्यू में। व्हाट दे जस्ट डू, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया दे देते हैं, ठीक है, और एक ट्रायंगल की कोई एक साइड दे देते हैं और आपको कहते हैं कि दूसरे ट्रायंगल की साइड निकाल। और मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, पता क्यों, वो स्क्वायर करना ही भूल जाते हैं। स्क्वायर उधर जाके क्या बनेगा, स्क्वायर रूट, तो वो करना भूल जाते हैं, जिससे आंसर क्या हो जाता है, पूरे का पूरा गलत हो जाता। ओके जी, चलिए अब हम क्वेश्चंस करने लगे हैं, प्रूफ में एंड में एक दिन लगा के हम जो छोड़ रहे हैं वो एक ही अभी तक छोड़ा, और तो कुछ भी नहीं छोड़ा, तो उसका प्रूफ करवा दूंगी। ओके जी, हाँ जी, लेट अस डू एक्सरसाइज 6.4। ओके, 6.4 का अभी बार बार लिखनी है बेटा मैंने ये, हाँ जी, एक्सरसाइज 6.4, हाँ जी बेटा, व्हाट इज रिटन देयर, लेट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ एंड देयर एरियाज आर 64, 121, इफ ई एफ 15.4, बी सी कैलकुलेट करो। हाँ जी, क्लियर कट, पहले तो मैं आपको बार बार कह रही हूं, एरिया वर्ड आ जाए ना उसी टाइम आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है डी ई एफ, किसके साइड कौन सी ली है यहाँ पर, ई एफ, तो दैट मीन्स अगर इधर ई एफ लिखी है तो इधर कौन सी आ जाएगी, बी सी, इसके स्क्वायर के इक्वल,
और कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब एरिया दिया हुआ है 64, 121, बीसी मैंने कैलकुलेट करनी है। ये स्केयर, चलो पहले स्केयर ही लगाते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये 15.4, सबसे पहला काम स्केयर उधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बीसी ओवर 15.4 अंडर रूट 64 ओवर 121। अब हाँ जी, बात जो चाहिए हमने एक ही साइड लिखनी, सब है तो इक्वल ही है ना, तो जो नीड है वो साइड लिख दो। अब मेरे पास जो है यहां पर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लिया 8/11, बीसी 15.4, बीसी इज इक्वल टू 8/11 इंटू 15.4, 11 द पॉइंट, 4 द मल्टीप्लाई करो 2, 11.2 इज माय आंसर। ओके बेटा, सबको बात क्लियर हो गई। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बेटा, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये एक्सरसाइज इजी है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, मुश्किल वो भी नहीं है बट ये बहुत इजी है, सो इसमें कोई इतनी बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम, इट इज रिटन देयर, डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी, दिस इज अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ इफ ए बी इज 2 times CD, फाइंड द रेशियो ऑफ ट्रायंगल, एरियाज की रेशियो ओ ए बी ओवर ट्रायंगल सी ओ डी। क्या करेंगे बेटा यहां पर, सबसे पहली बात एरिया की बात हो रही है, मैंने ट्रायंगल ये देखना है कि सिमिलर है कि नहीं है। आपको याद होगा हमने फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि जब भी बेटा ट्रेपेजियम के सामने पैरेलल साइड्स वाली ट्रायंगल हमेशा क्या होती है। अब हमने प्रूफ प्रूफ कुछ नहीं करना, हमने तो एमसीक्यू करना है, तो ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। मुझे पता है ये ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। इफ दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो इनके एरियाज की रेशियो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल। अब प्रॉब्लम ये है मैं साइड कौन सी लू, देखो कौन सी साइड यूज हो रही है, तो मैं यहां पर ऊपर वाली ट्रायंगल की ए बी और नीचे वाली ट्रायंगल की सी डी, तो दैट मींस ए बी ओवर सी डी स्क्वायर। बट ए बी किसके इक्वल है, अब ए बी इज 2 CD बाय सी डी स्क्वायर, सी डी कैंसल। अब 4 आपको रेशियो पूछी गई है, वहां आंसर ना ऐसे भी होगा 4:1, 1:4, 1:1। आपने इन 4:1 वाले को करना, अकेले 4 वाले को नहीं करना। ओके, इज इट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरे पास जो गए, अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज रिटन देयर इन द फिगर 3rd question दैट ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर द 2 triangles जो गए ऑन द सेम बेस बीसी, दे जस्ट रिटन देयर कि मेरे पास 2 triangles हैं। पहले मैं फिगर बना दूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। आई एम अगेन ऑब्जर्विंग इन द क्लास व्हाट इज गोइंग ऑन, हां जी बेटा, ट्रायंगल एबीसी
ABC and triangle DBC with the same base, and it is written that AD intersect BC at O. Show that area of triangle ABC over area of triangle DBC, that is equal to AO over DO. क्या करें अब? बहुत इजी है. किसने कहा? ट्रेपीजियम मैं तब तक नहीं कह सकती बेटा जब तक वो मुझे ये ना कहता कि ये लाइंस पैरेलल हैं. उसने मुझे कहीं मेंशन नहीं किया. क्वेश्चन में दिया है बीसी सेम लेके एक ट्रायंगल मैंने ऊपर बनाई, एक ट्रायंगल मैंने नीचे बनाई. कैसे कर दूं? हाँ जी, कॉन्ग्रेंट में आपको कौन सी साइड इक्वल दिया? यहाँ कंस्ट्रक्शन होनी है कुछ. हाँ जी, एक एक सेकंड विषम. बी सी का आप सीओ बेटा कहाँ लिखा है कि वो बाइसेक्ट करता है? नथिंग इज मेंशन. हाँ जी विषम, आप क्या कह रहे थे? हाफ क्या? हाफ बेस इनटू हाइट, बिल्कुल सही है, वही लगेगा. अब मुझे बताओ कि अगर मुझे ऊपर वाली ट्रायंगल और नीचे वाली ट्रायंगल का लेना है, आपने बेस लिया, बेस दोनों में मेरे पास बीसी बीसी आ गया है ना, हाइट नो. एओ किसने कहा ये परपेंडिकुलर है? यही करना है आपको, यही तो देखना है. एरिया आया, यहां कोई स्केयर नहीं है, नहीं है ना? अगर स्केयर होता ना तो मैं थ्योरम यूज करती, मेरे पास कुछ नहीं था तो मैंने को लगा कि एरिया की बात हो रही है, ट्रायंगल की बात हो रही है, मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करूंगी, हाफ बेस इनटू हाइट. ठीक है, अब मैं अभी ये रब कर देती हूँ, मैंने ये एरिया लेना है. अगर मैं बीसी का देखूं हाफ, बेस मेरे पास बीसी है, मैंने लिख दिया, हाइट मेरे पास नहीं है यहां क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं दिया बेटा, ऐसे ही नीचे में हाफ बीसी तो सेम ही है, इसको एच वन लिख देते हैं, इसको एच टू, ये सारा कट गया, मेरे पास क्या बचा? एच वन एच टू. अब प्रॉब्लम रहे हैं कि मुझे एच वन एच टू की वैल्यू चाहिए. मैंने ये, मैं स्ट्रेट लाइन बनाती हूँ ताकि आपको, मैंने यहां पर पेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज एच वन, यहां पर पेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज एच टू. अब ये दोनों छोटी ट्रायंगल सिमिलर हैं, पता कैसे? एंगल एंगल सेम 90 डिग्री, ये वर्टिकली पॉजिटिव, एंगल एंगल से ट्रायंगल क्या हो गई? सिमिलर. अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो दैट मींस एच वन मेरे पास ओवर एच टू इज इक्वल टू ए ओ ओवर डी ओ. अब यहां एच वन ओवर एच टू की वैल्यू पुट करनी थी, वो क्या है? ए ओ ओवर डी ओ. यही प्रूफ करना था कि एरिया जो है वो इसके इक्वल है. बात समझ आई बेटा सब? हाँ जी, एमसीक्यूज में ऐसे आएगा, मैं बताती हूँ आपको. स्टेटमेंट दे दी, ठीक है, आपको कहा एरिया ऑफ ट्रायंगल की रेशियो इक्वल टू डैश, या ये दे दिया, और एरिया जो है दिस इज इक्वल टू द फॉलोइंग, और एरिया ऑफ ट्रायंगल्स अलग अलग दे दिए, तो वहां से ऑप्शन चेक करनी है आपने और कुछ नहीं. ठीक है, मैंने क्या किया, मेरे को इतना पता चल गया कि मैंने यहां पर ना एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वाली थ्योरम नहीं यूज कर सकती. क्यों नहीं कर सकती? वहां स्केयर यूज प्रॉपर्टी होती है, साइड का स्केयर होता है, तो
तो मुझे इतना पता चल गया मेरे को, वैसे मैं कहती हूँ ना कि एरिया है तो क्या यूज करो, वो थ्योरम यूज करो, बट मैंने कहा कि वो थ्योरम यहाँ पर मैं नहीं ले सकती, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सीधा, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो मैंने हाफ बेस इंटू हाइट लगाया। और मुझे पता है अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी, हाइट यहाँ पर कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर होगा, इधर से ये होगा, बेस कट गया, हाफ कट गया, एच वन एच टू की बात आ गई है ना। तो अब मैंने क्या किया, मैंने ये देखा ये छोटी ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और 90-90 से, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होंगी। ओके जी, अब ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो अब साइड्स क्या हो गई, प्रोपोर्शनल। मैंने प्रोपोर्शनल की एच वन ओवर एच टू की वैल्यू इधर पुट कर दी, मेरा आंसर आ गया। क्लियर टू एवरीवन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरे पास हो गए, लेट अस डू द नेक्स्ट। अब उसने दिया है इफ टू ट्रायंगल्स आर if the areas of two similar triangles are equal, ध्यान से statement को पढ़िए, if the area of two similar triangles are equal, only then the triangles are congruent, तभी congruent हो सकते हैं अगर दो triangle का जो है similar triangles का area क्या है, same, ठीक है जी। तो अब देखिए ए बी सी डी ई एफ, एरिया की बात हो रही है, मुझे एरिया की थ्योरम लगानी पड़ेगी, तो मैंने क्योंकि ट्रायंगल्स सिमिलर हैं और एरिया की भी बात हो रही है, तो आई यूज द कॉन्सेप्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ दैट इज इक्वल टू, अभी मैं एक ही साइड लिखती हूं इसके स्क्वायर के इक्वल, बट एरिया मुझे क्या दिया है, तो बेटा ये दोनों क्या हो गए, इधर क्या बचा, वन वन जीरो नहीं, ठीक है। अब ये उधर ले जाए डी ई स्क्वायर इक्वल टू ए बी, This implies D is equal to, मैंने D E और A B लिखा, अगली बार अगर मैं A C by D F लिख दूं, वो भी equal आ जाएगा, अगली बार by S S S criteria triangles are congruent, बात समझ आई, कोई भी similar triangle congruent कब होगी, जब उसका एरिया इक्वल होगा, एरिया सिमिलर नहीं होता। ओके जी, चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगता है कि इस पर बेस्ड एमसीक्यू बहुत बन सकते हैं, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ए ट्रायंगल। मेरे पास ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी का मिड पॉइंट डी, बी सी का ई और ये एफ, ये ट्रायंगल बना दी गई। हाँ जी, उसने कहा फाइंड द रेशियो of the triangle D E F over A B C। वैसे तो मैं देख के भी बता सकती हूँ, देखो पूरी बड़ी ट्रायंगल कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई हुई है, फोर, वन टू थ्री फोर, ये हर ट्रायंगल ना बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर है, हर ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर। मैं रीजन बता देती हूं कैसे, पहले तो मैं आपको ये बताऊं
अगर ये ट्रायंगल की बात कर रही हूं मैं और ये बड़ी ट्रायंगल की बात कर रही हूं, सबसे पहले हम चलो पहले इसकी बात करें इससे, ये मेरे पास देखा जाए तो ये पैरेललोग्राम बन गया। कैसे? मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो मेरे पास ये 100% इसके पैरेलल हो, फिर मेरे पास जो है यहां पर ये चीज इसके इक्वल भी होगी। क्यों? क्योंकि अगर मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं, हमने थ्योरम की हुई है मिड पॉइंट थ्योरम इन 9th class कि ये पूरी साइड इसके क्या होती है, हाफ ऑफ ए बी, तो दैट मींस ये इसके इक्वल हो गया। अगर एक पेयर पैरेलल भी हो जाए इक्वल भी हो जाए तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। सिमिलरली हम ये भी कर सकते हैं ना, ये इसके पैरेलल भी है और इक्वल भी। अगर ये पैरेललोग्राम है तो मेरे पास ये पैरेललोग्राम जो होता है वो डायगोनल से दो सिमिलर ट्रायंगल्स में उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है या डिवाइड करता है, कुछ भी वर्ड बोल सकते हो, ठीक है। दैट मींस ऐसे ही ये इसके होगा, ये इसके होगा और ये वाला बड़ी ट्रायंगल के भी सिमिलर हो जाता है बाय यूजिंग द पैरेलल लाइन कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मैंने तो एरिया की बात करनी है ना। हाँ जी, अब देखो मुझे पता है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड एरिया की रेशियो किसके इक्वल आएगी, साइड के स्क्वायर के इक्वल। तो दैट मींस कि मेरे पास यहां लिख सकती हूँ डी ई, यहां पर क्या लिख सकती हूँ ए सी स्क्वायर, है क्या नहीं। अब डी ई जो ए सी है मेरे पास वो 2 times एफ सी है क्योंकि मिड पॉइंट दिया, तो 2 times एफ सी लिख दूं, कहां अरे तो कॉरेस्पॉन्डिंग ही ली, इधर से मैंने डी ई ली तो डी ई अगर मैं ट्रायंगल इधर साइड ले रही हूं, ये बेटा इसी के पैरेलल है साइड, नहीं नहीं एरिया लिखा है ना, एरिया में तो जैसे मर्जी लिख लो, मैंने यहाँ कोई सिमिलैरिटी की बात, कोई सिंबल थोड़ा लिखा है, सिंबल होता तो मैं करती उसके अकॉर्डिंगली, मेरी बात समझ आई। अगर मैं लिखती ना डी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी तब होता, कॉरेस्पॉन्डेंस होती, मैं तो यहां पर सिंपल लिख रही, आप खुद सोचो ना ये साइड ही इसी के पैरेलल चल रही है ना, तभी आएगी ना, दूसरी थोड़ा लिख सकती हूं मैं, ओके। अब देखो मैंने 2 times एफ सी लिख दिया, एफ सी और डी ई इक्वल है ऑपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो दैट मींस ये कट गए, रेशियो क्या आ गई 1:4। तो बात वही है, पैरेललोग्राम कर लो या एंगल से, कि ये साइड इसके पैरेलल है, ये वाला एंगल आप यहां से ले रहे हो, आएगी तो पैरेलल ही, तो पैरेलल से पैरेललोग्राम ले लो या वैसे कर लो, एक ही बात है बेटा, डजंट मैटर, ठीक है बेटा, ओके जी।